सुल्तानपुर लोधी काम कर रहे हैं। अज असी अखबार के लिफाफे बनाए ने जिन्हों का विशेष मंतव यह है कि असी प्लास्टिक के जिहड़े हानिकारक लिफाफे ने उन्होंने घटाना। अगर असी अज हज़ार लिफाफा बनाया तो मान लो कि असी हज़ार लिफाफा अज प्लास्टिक का घटा दिता, क्योंकि प्लास्टिक के लिफाफे के बहुत ज़्यादा नुकसान ने। जदों भी असी सब्जी वगैरह खरीद के प्लास्टिक लिफाफे घर लियाने तो वो दो रीज़न होंगे ने कि जो बीबिया की कर दया ने कि उन्होंने चुल्हे के अग मचाण वास्ते बर्त लादियां ने, जां फिर उहदे विच कूड़ा जां छिलके वगैरह बन के की करदियां ने बाहर सिट दिंदियां, जिहदे नाल शहर की सफाई खराब होंदी है ते उह पशु मूँह मार लैंदे ने ते पशुआं दे अंदर प्लास्टिक चला जांदा हैगा। इस तों इलावा कि जिहड़े प्लास्टिक लिफाफे ने सीवरेज बंद होण दा भी बहुत वड्डा कारण है, जिन्हां ते फिर लखां रुपए का खर्चा सीवरेज सफाई दे विच आ जांदा है। एक छोटा जिहा लिफाफा जानी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस तों इलावा कई बार तुसीं देखे होणगे कि सड़कां दे उपर जिहड़े प्लास्टिक लिफाफे उड्डे फिरदे नेगे वो वड्डे वड्डे एक्सीडेंटां दा भी कारण बन जांदे ने। इसलिए असीं अज ये मुहिम चलाई हैगी है कि प्लास्टिक दे लिफाफे दी थां ते लोकां नूं अपील करदे हां कि वो जां तां अपने घरां दे विच्चों अपना बैग कोई भी समान लैण जाणा तां अपना बैग जां थैला नाल लै के जाण, ते जां फिर वो प्लास्टिक लिफाफे दी थां ते अखबार दे लिफाफे जिहड़े बणाए होए ने उहनां नूं वध तों वध तरजीह देण, ता कि क्योंकि ये लिफाफा गलन दे विच गल के भी कूड़ा नहीं पैदा करता है, गल जाता अखबार का लिफाफा। इसलिए साडा मेन मंतव अज अखबार के लिफाफे बनाने का यही है कि प्लास्टिक के लिफाफिया की वरतों को घटाया जाए। जिहड़े व्याह शादी विच जिहड़े बर्तन कहिंदे वरते जाते हैं, हाँ जी, उन्होंने हुण दूसरे चल पे बर्तन, उन्होंने बारे तुसीं की कहना चाहुंदे? हाँ जी, सरकार ने प्लास्टिक के लिफाफे के नाल नाल जिहड़े डिस्पोजेबल सिंगल यूज प्लास्टिक के जिहड़े भांडे नेगे जिद्दां आपां कहिंदे थर्मोकोल के बर्तन जां फिर होर तुसीं बाजार दे विच देखिया होना भी कई तरह के बर्तन यूज होने शुरू हो गए ने फंक्शनां दे विच। लोगों भी इस चीज़ का आसरा है कि चलो मांजने नहीं पैणगे बर्तन तो उन्होंने आपां की करांगे यूज एंड थ्रो कर देवांगे, पर उन्हां बर्तनों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने भांडिया इहो जिहे कैमिकल लगे होंगे ने जो आप उन्होंने खाना खाने हाँ तो वह कैमिकल साढ़े अंदर चले जाते हैं तो बहुत सारिया बीमारियों को जन्म देते हैं। दूसरी गल यह होंगी है कि जो फंक्शन तो बाद देखा होना कि लोगों के घर के बाहर किडे किडे कूड़े के ढेर जोड़े लग जाते हैं, तो इस दे नाल ही जिहड़े बर्तन नेगे इन्हां नूं जां डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल है, ना तो इन्हां नूं सारिया जा सकता है ना ही इन्हां नूं कितें आपां कह रहे हैं भी कोई खाद का बनन का काम कोई इदां दा होवे वह भी नहीं इन्हां दा हो सकता। यह जमीन दे विच अगर आपां इन्हां नूं दब दईए तो सालों तक यह गलदे नहीं हैगे, तो इन्हां भांडिया का बहुत नुकसान है। इस सरकार ने इन्हां भांडिया ते बैन लगाया है, जिवें कि प्लास्टिक के जिहड़े डिस्पोजेबल ने थर्मोकोल के भांडे जां पाइप जिहड़ी प्लास्टिक की है जां चम्मच है जां पानी दे जिहड़े जिस तरह छोटे छोटे गिलास ने यह सारे डिस्पोजेबल दे विच आंदे नेगे जिन्हां दा नुकसान ही है कोई, जां आपां चाह पीने आ कप जिहड़े उन्हां दे भी मोम लगी हुंदी है जिहड़े कि कैमिकल जिहड़े साडे अंदर जाके बीमारियां नूं जन्म दिंदे ने। सरकार ने इन्हां दे भी रोक लगाई हुई है, सानूं इन्हां दी थां ते स्टील दे जां पित्तल दे पुराने जमाने दे जिस तरह असीं इस्तेमाल करदे सीगे उस भांडिआं दा इस वरतों करनी चाहीदी हैगी आ, ते इस तरीके नाल असीं इक तां अपनी सेहत नूं संभाल के रख सकांगे ते दूसरी असीं जिहड़ी आन वाली जनरेशन दा लई वधिया वातावरण तैयार कर सकांगे। अज्ज असीं स्वच्छ भारत दे तहत अगे भी साढ़े प्रोग्राम में चलते रहिंदे आ, अज भी असीं 1000 लिफाफा इस अखबारां दा बनाया। सब तो मेन मनोरथ दी गल इह है भी जिहड़ी जिहड़ा प्लास्टिक का लिफाफा वा वो साढ़े लिए बहुत ही घातक आ। उहदे च इह हुंदा वी जिहड़ा दुकानदार ने लिफाफा ला के दिता प्लास्टिक का लिफाफा घर गया घर लेडीज़ ने वो जां तां जला देना तो जां उहनूं बाहर जाना। प्लास्टिक जिहड़ा वा वो एक कैंसर की बीमारी आ, चाहे उहनूं अग लगदी है चाहे वो बाहर डिगदा वो सीवरेज जाम करदा बहुत तरह के नुकसान आ उसना। और ये शहर वासियों नूं सारे समाज में यही अपील करते हैं भी प्लास्टिक का लिफाफा इनू इगनोर किया जाए और जिहड़े अखबार के लिफाफे आ कपड़े के बैग आदी वरतों की जाए। और ये असी थोड़े दिनों के सारे शहर के एक मुहिम चलावे जिदे असी जो प्लास्टिक का लिफाफा असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए।
ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਨਤਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।